नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन वार चलन में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जीरो फेव के बारे में, जो कि एक कैप्सूल है। दोस्तों बात करें इसके कंपोजिशन की, इट्राकोनाजोल कैप्सूल 200 mg के कैप्सूल में ये आता है। दोस्तों इस ट्यूब में 10 कैप्सूल आते हैं। दोस्तों ये फॉर्मिन मेडिसिन प्राइवेट लिमिटेड जो इसको प्रोडक्शन करती है। दोस्तों इसका कंपोजिशन बारे में जानेंगे हम। दोस्तों इट्राकोनाजोल बीपी 200 mg में इसमें ऐड किया गया है। दोस्तों बात करें इसकी प्राइस की, जो 350 रुपये अमेरिकन में आता है। दोस्तों इसका जो प्राइस है 350 रुपये, आपको ये ऑनलाइन में 300 रुपया तक में मिल सकता है। दोस्तों चलिए इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैप्सूल कब लेना चाहिए। दोस्तों इसका जो मेन जो टॉपिक है, ये फंगल इन्फेक्शन में काम देता है, जैसे कि आपका जो दोस्तों ये फेफड़ियों संक्रमण, छाती और पीठ पर परतदार जो फीके पड़ जाते हैं, जो धब्बे होते हैं, न्यूट्रोपेनिया या एड्स रोगियों में संक्रमण और अन्य स्थितियों के उपचार के लिए ये दवा है। दोस्तों जो हमारे प्राइवेट पार्ट में भी जो जो इन्फेक्शन, जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों शरीर में भी कोई भी हमारा जो पार्ट्स होता है, स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं, जो हमारे हाथ में ज़्यादातर प्राइवेट पार्ट्स में होते हैं, इस कैप्सूल को दिया जाता है। दोस्तों मेरी सलाह है कि इस मेडिसिन को आप जरूर डॉक्टर को दिखा के देना चाहिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दोस्तों मेरी सलाह है कि हर तरह की मेडिसिन आप तो डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए। दोस्तों फिर एक बार मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो दवा है फंगल इन्फेक्शन के दवा है, जो स्किन में होती है ज़्यादातर, ये दोस्तों आपको डॉक्टर को दिखा के लेना चाहिए। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट में बात करें, जो सिर दर्द, जो अपच और दोस्तों सांस की कमी, सांस लेने की जो तकलीफ, उल्टी और दस्त हो सकती है। दोस्तों ये कॉमन साइड इफेक्ट है, किसी को भी होता है, किसी को नहीं होता है, ज़्यादातर 90% चांस कम होती है। दोस्तों इसी तरह मैं बहुत सारे वीडियो मेडिसिन का रिव्यू कराता हूँ, ताकि आपको सही संदेश मिल सके। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप मेरा वीडियो को शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, ताकि और किसी को लाभ मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।